वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। गगन चुंबी इमारतों पर बच्चों का स्टंट, एक इमारत से दूसरी पर लगा दी छलांग। नोएडा में 22 मंजिला इमारत पर बच्चों का सरेआम स्टंट। आपने स्टंट की बहुत सी वीडियो देखी होगी जिसमें लोग बिल्डिंगों के ऊपर छलांग लगाते हैं। आमतौर पर आपने वीडियो भारत देश के बाहर की देखी होगी जहां पर स्टंटबाज जो पूरी तरीके से ट्रेन होते हैं वो बिल्डिंगों पर छलांग लगाते हैं, अपने GoPro कैम से इन सब वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब जो मामला सामने आया वो आपको हैरत में डाल देगा। यहाँ कोई विदेश में नहीं, यहाँ भारत देश में बच्चे 22 मंजिला इमारत पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो बच्चे ऊंची इमारत पर स्टंट दिखाते नजर आ रहे हैं। ये बच्चे बिल्डिंग के एक टावर से दूसरे टावर पर कूद रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो दिल्ली से सटे नोएडा का है और जिस इमारत पर बच्चे स्टंट दिखा रहे हैं वो 22 मंजिला है। दावे के मुताबिक जिस वक्त बच्चे स्टंट दिखा रहे थे उनके माता पिता काम पर गए हुए थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो बच्चे एक 22 मंजिला इमारत पर खड़े हैं। और ना उन्हें कोई डर है और ना ही किसी चीज का खौफ। पहले वो इधर उधर हल्का सा खेलते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं, उसके बाद बिल्डिंगों पर कूदना स्टार्ट करते हैं। दो बिल्डिंग के बीच में एक गैप दिखता है, मानो कि जैसे भी पैर फिसले ये सीधा नीचे चले जाए। इन बच्चों ने ना कोई प्रोटेक्शन ले रखा है, ना किसी तरह की रस्सी बांध रखी है, मतलब एक चूक और तुरंत मौत। इस वीडियो में देख सकते हैं कि कोई दूसरी बिल्डिंग से इन बच्चों की वीडियो बना रहा है और वो बता रहा है कि जिस तरीके से बच्चे स्टंट कर रहे हैं वो काफी खतरनाक है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग बता रहे हैं कि योगी के राज में ये सब क्या हो रहा है। एक वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, वायरल वीडियो नोएडा का बताया जा रहा है जहां दो बच्चे बिल्डिंग की छत पर इधर से उधर बिल्डिंग पर कूद रहे हैं। कई लोगों ने इसमें योगी सरकार को घेरने की कोशिश भी की, तो कई लोग बता रहे कि इन बिल्डर्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि बच्चे बिल्डिंग पर पहुंचे कैसे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली है और लोग सकते में आ गए। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है तो हमने सोचा क्यों ना इस वीडियो की पड़ताल की जाए। हमने इस वीडियो की पड़ताल की और कीवर्ड्स जब बिल्डिंग के ईवर्ड से इंटरनेट पर सर्च की तो हमें स्पुतनिक नाम के एक यूट्यूब चैनल पर पहुंचे जहां वायरल हो रहे इस वीडियो को अपलोड किया गया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक ये इमारत तो 22 मंजिला थी, लेकिन ये वीडियो नोएडा का नहीं बल्कि चीन का बताया जा रहा है। इस अहम क्लू के मिलते ही हमने अपनी पड़ताल का फोकस चीन पर कर दिया, जिसके बाद एमेंट्रो नाम की वेबसाइट पर हमें वायरल वीडियो और उससे जुड़ी पूरी खबर मिल गई। इस खबर में बताया गया है कि घटना चीन के हुबई प्रांत की है जहां ये बच्चे लॉक तोड़कर इमारत की छत पर पहुंच गए थे। सामने की इमारत में मौजूद एक शख्स ने इन्हें स्टंट करते देखा तो वीडियो बना ली। बाद में रियल एस्टेट के कुछ कर्मचारियों ने सुरक्षित उतार ली। रिपोर्ट के मुताबिक वायरल वीडियो 22 अक्टूबर 2021 का है, मतलब हमारे पड़ताल में साफ हो गया कि ये वीडियो नोएडा का नहीं है बल्कि चीन का है और इससे जो योगी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी वो बिल्कुल गलत निकली। वहीं ये वीडियो में ये जरूर साफ पाया गया कि बच्चे सच में 22 मंजिला इमारत पर स्टंट जरूर कर रहे थे, लेकिन उन्हें कर्मचारियों ने सुरक्षित बचा लिया। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।